hello friends how are you welcome to Japan study Center today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today why is the human development why the human development there is a most important question here the previous stations as a development economist uh, is a identifier uh, six reason of favor for their human development yeah. The reasons are following here. First reason here: the ultimate purpose of entire exercise of development is to be improve the human condition and the in, and enlarge people as a choice. That's an important point. And second here, human development is a mean to be higher productivity. Human development is mean to be higher productivity, a well nourished, the healthy education educate is skilled a lot or labor force is the most a a productivity assist therefore the investment in this is a sector uh, justify on a uh, ground of productivity there is an important point here and third point is also here the help in reducing the rate of growth of population there is a human development this is the most important it helps reducing the rate of growth of population the fourth point here uh, human development is a friendly to be physically environment also, and deforestation and deforestation, defication and the solid reason decline when to is a poverty decline. There is an important point here. The human development is a friend friendly to the physical environment and deforestation and destification are the solid race decline is when poverty decline here and fifth year, improve the living condition and reduce to poverty is a contribute to be healthy civil society and great is a social stability. there's a fifth point is also important here. and sixth year, human development also helps reducing our civil disturbance in the society and is increasing our political stability here. till now, you might have understood the importance of human development. let us now have to the closer. लुक एट इंडिया एज अ पोजिशन एट द इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज ह्यूमन डिवॉलमेंट इज अंसर्न वी विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ द रीजन फॉर अ लो लेवल ऑफ ह्यूमन डिवोल्पमेंट इन इंडिया दट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है कि मानव विकास ही क्यों आखिर ह्यूमन डिवोलपमेंट को ही प्रॉवर्टी क्यों दी जाती है क्यों जरूरी है ये तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पर जो है छ पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मानव विकास के अंतर्गत बताई गई है कि मानव विकास ही क्यों जरूरी है इसमें अगर हम बात करें यहाँ पार स्टेशन की जो विकास और शास्त्री थे इन्होंने जो है विकास के छः कारणों की पहचान की और ये कारण जो है जिसके बारे में हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इन कारणों का जो है छों कारणों का जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे पहला तो पॉइंट यही दर्शाता है कि विकास के प्रयासों के अंतिम लक्ष्य मानवीय दशाओं में सुधार करना है देखिए विकास का प्रयास सदैव यही रहता है कि मानवीय दशाओं में जितना हो सके सुधार किया जाए उन्हें अपने आप को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक विकल्पों को बढ़ाना है यानी अपने आप को विकसित करने के लिए अधिक से अधिक जो है विकल्पों की आवश्यकता होती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है यहाँ पर मानव विकास के अंतर्गत उसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो है मानव विकास उच्चतम उत्पादकता का एक उत्तम साधन है यानी मानव विकास जो है उच्चतम उत्पादकता का जो है उत्तम साधन जितना मानव होगा जितना मानव विकास होगा जितना मानव होगा उतना ही उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी तो तभी तो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत ये कार्य करेगा इसलिए जो है मानव विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और कोई भी चीज़ के उत्पादन के लिए जरूरी भी होता है एक सुपोषित स्वास्थ्य और सु, सु, सुशिक्षित कुशल एवं जागरूक श्रमिक शक्ति सर्वाधिक जो है उत्पादक परिसंपत्ति है देखिए अगर अगर आपको जो है यहाँ पर मानव विकास क्यों इंपॉर्टेंट है तो ये जानना है तो बहुत आसान शब्द है यहाँ पर अगर देखिए एक सुपोषित सु, सु, स्वास्थ्य और जो है सुशिक्षित और कुशल एवं जागरूक श्रमिक चाहिए तो कहते हैं इसके लिए जो है परिसंपत्ति जो उत्पाद के रूप में जो है मानव विकास वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है अंतथा उत्पादकता के आधार पर इन क्षेत्रों में किया गया पूंजी निवेश न्याय संगत मानी जाती है यानी उत्पादकता के अंतर्गत अगर आप पूंजी निवेश करते हो इन क्षेत्रों में तो ये न्याय संगत कहलाएगी इससे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने में सहायता भी मिलती है यानी इसमें देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर जो बढ़ रही होती है उसमें काफ़ी महत्व रखता है मानव विकास का जो है भौतिक पर्यावरण में मैत्रीपूर्ण संबंध है यानी मानव विकास का भौतिक पर्यावरण में जो है मैत्रीपूर्ण संबंध है क्योंकि जब गरीबी घटती है तो जो कहते हैं जंगलों की कटाई मरुस्थलीकरण और मृदा अपक्षण का अपर्दन में कमी आती है तो जर्नल सी बात है अगर देखिए अगर इन चीज़ों का घटाव होती है घटती है तो जर्नल सी बात है जो जंगलों की कटाई होती है उसमें भी काफ़ी जो है कमी आ सकती है और जो मरुस्थलीकरण जो हो रहा है क्षेत्र में मरुस्थल बढ़ रहे हैं उसके भी जो है कमी आ सकती है और मृदा अपर्दन के जो है अपर्दन में कमी भी काफ़ी आ सकता है तो ये काफ़ी जो है मानव विकास काफ़ी महत्व रखता है अपने जगह पर मा कहते तो है हैं मनुष्य की गरीबी में रहन सहन की दशाओं में सुधार से एक स्वास्थ्य नागरिक समाज के निर्माण भी होता है देखिए कहते हैं अगर देश के अगर नागरिक स्वास्थ्य हैं तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों के स्वास्थ्य देश का स्वास्थ्य बनता है इसलिए मनुष्य की गरीबी में रहन सहन की दशाओं में सुधार होगा तो एक ना जो है सामाजिक जो रहेगा समाज जो रहेगा एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और उसमें अधिकतम जो है स्थित लाने में सहायता भी मिलेगा काफ़ी स्थित लाने में सहायता मिलेगा कहते हैं मानव विकास से समाज जो है उथल पुथल में कमी तथा राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ाने में सहायता मिलती है तो मानव विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है जो समाज में उठ रहे उथल पुथल में काफ़ी कमी ला सकती है और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में भी काफ़ी सहायता दे सकती है इसलिए मानव विकास को काफ़ी महत्व दिया जाता है अब तक आप मानव विकास की सख्त महत्व को हैं और ये जरूरी भी था अब हम जो है इसी पर विकास में संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत की स्थिति पर विचार करेंगे कि भारत का स्थिति जो है पूरे विश्व में किस स्थान पे किस पैदान पे है तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे ठीक है और भारत में मानव विकास के स्तर पर कम होने के कारणों को जानने की हम प्रयत्न करेंगे तो ये सब होगा जब आप तिरपान सेंटर के साथ बने रहोगे